हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में हम ब्लूकप के कुछ रूल्स को देखने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके इन रूल्स को सीखते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, मैंने एक टेबल चूज किया हुआ है। इस टेबल्स को मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज में पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जिसमें टॉप प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कोड, क्वान्टिटी और प्राइस अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर टॉप प्रोडक्ट्स में देखोगे तो मोबाइल जो आइटम है, इसको मैंने 2-3 बार यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। इसको मैं बताने वाला हूँ कि मैंने ऐसे क्यों कर रखा है। चलिए देखते हैं। अगर मैं मोबाइल का प्राइस निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पहले मैं मोबाइल को कॉपी कर लेता हूँ, मैं अपना यहाँ पे प्रोडक्ट। और अगर मुझे इसकी प्राइस निकालनी है, तो मुझे सिंपली वीलुकअप का फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पे अपनी लुकअप वैल्यू टाइप करनी है, देन टेबल अरे अपना सेलेक्ट करना है, और कॉलम इंडेक्स नंबर देना है 4 और कॉमा 0, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं इंटर करूँगा, आप देखोगे यहाँ पर इसकी प्राइस आ जाती है 12,000, जो कि यहाँ पर फर्स्ट रो में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप देखोगे तो सेकंड रो में जो मोबाइल की प्राइस है वो 17,000 है, और अगर यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो जो मोबाइल की प्राइस है 22,000। ऐसा इरर इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा डेटा है, जो हमारा प्रोडक्ट को जो है टॉप प्रोडक्ट जो है, ये कई बार है डुप्लीकेट है। तो अगर आप देखोगे वीलुकअप का जो रूल होता है, रूल नंबर फर्स्ट होता है, उसमें होता है लुकअप वैल्यू शुड बी यूनिक इन द कॉलम। मतलब कि आपका जो लुकअप वैल्यू होता है वो उस कॉलम में यूनिक होना चाहिए। अगर वो डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट फाइंड होता है, तो ऐसे केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो इरर आएगा, वो आपका रिजल्ट गलत हो सकता है। जो दूसरा रूल होता है वीलुकअप का, यू कैन फाइंड वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आपका जो प्रोडक्ट कोड है, जिस कॉलम में है, उसके आप राइट में ही जा सकते हो, उसके आप राइट में ही डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट में ही डेटा को फाइंड कर सकते हो, आप लेफ्ट में नहीं जा सकते। अगर आपने प्रोडक्ट कोड को चूज किया है आपके लुकअप वैल्यू के रूप में, तो आप इससे लेफ्ट जा करके किसी भी चीज़ को फाइंड नहीं कर सकते, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी प्राइस वगैरह को कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते, कोई भी डेटा फाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट जो रूल होता है बी लुकअप का, वो होता है लुकअप वैल्यू शुड बी बिलोंग टू फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल है। जैसे कि मान लिया कि मैं इस कोड का कोई, इसमें से दूसरा मैं कोड उठा लेता हूँ, इस कोड का मैं प्राइस जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा और मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा देता हूँ बी लुकअप का। इक्वल टू बी लुकअप, हमारा लुकअप वैल्यू ये हो जाएगा प्रोडक्ट कोड जो है, और यहाँ से हमें टेबल अरे जब सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू का जो थर्ड नंबर रूल है कि हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। यानी कि हम अगर डेटा यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा डेटा रॉन्ग आएगा, लेकिन अगर हम इस डेटा को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो ये सही होगा। यानी कि लुकअप वैल्यू शुड बी बिलोंग टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल अरे। देन हम यहाँ से कॉलम इंडेक्स नंबर दे देंगे, तो अभी आप कॉलम इंडेक्स नंबर जो प्राइस का है देखोगे तो वो थर्ड नंबर कॉलम है, जबकि जब हम यहाँ से सिलेक्ट करते थे तो हमारे टेबल एरे का फोर्थ नंबर कॉलम होता था। हम यहाँ से 3 करेंगे और मैं प्रेस करूँगा 0 और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर करेंगे, आप देखोगे इसका जो प्राइस है 1200 रुपीज़, इस प्रोडक्ट कोड का जो कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट कोड का यहाँ पर आपको प्राइस मिल जाता है 1200। तो ये वीलुकअप के कुछ बेसिक रूल होते हैं, जो कि आप जब भी वीलुकअप फार्मूले का यूज करो तो आपके दिमाग में होने चाहिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।